मुरारीपुर नाम का एक गांव था जहां गिरिधर नाम का एक किसान रहता था। गिरिधर ने रमा से दूसरी शादी की थी, लेकिन गिरिधर की बेटी नैना अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर में बाहर से खाना खरीदना और मुझे पहुँचाने आ जाना। नैना, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर दिया है, ये लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सड़े हुए हाथों का खाना, मुझे बस अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद था। बेटा, ये भी तुम्हारी माँ है, टिफिन ले जाओ। मैं इन्हें अपनी माँ कभी नहीं मानूंगी। इस तरह नैना अक्सर बिना लंच लिए ही स्कूल चली जाया करती थी। रमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि वह एक अच्छी माँ बन सके। वह नैना के कपड़े धोती, उसका कमरा साफ करती, उसके कपड़ों पर प्रेस करती, लेकिन कोई भी चीज नैना को खुश करने के लिए काफी नहीं थी। एक दिन रमा ने नैना के बेड पर सूट पड़ा देखा। रमा ने सोचा कि सूट गंदा है, इसलिए उसने उसे वॉशिंग पाउडर में भिगो दिया। कुछ देर बाद नैना अपने कमरे में पहुंची और सूट ढूंढने लगी। मेरा सूट कहाँ चला गया? यही बेड पर तो रखा था। नैना गुस्से में अपने कमरे से बाहर गई और रमा से बोली, ए रमा नौकरानी, मेरा सूट कहाँ है? मुझे लगा वो धुलने के लिए है, इसलिए वो सूट मैंने भिगो दिया। नैना की आंखों में खून उतर आया। अब मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्या पहनकर जाऊंगी? आज के बाद तुम मेरे रूम में घुसी तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। गिरिधर जब नैना को रमा से इस तरह की बातें कहते सुनता तो उसे बहुत दुख होता। गिरिधर ने दूसरी शादी यह सोचकर की थी कि रमा के आने पर नैना अकेली नहीं रहेगी और उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरिधर अब और ज्यादा परेशान रहने लगा। मुझे माफ कर देना रमा, तुम यहाँ कितना अपमान सहती हो फिर भी कुछ नहीं कहती। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन नैना जरूर बदलेगी, और वो चाहे मुझे कितनी भी नफरत दे, लेकिन मैं उसे हमेशा प्यार देना जारी रखूंगी। एक दिन नैना गिरिधर से बोली, पापा, मेरे स्कूल में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, मैंने पेंटिंग का सारा सामान एक पर्चे पर लिख दिया है, इसे ले आना। हाँ बेटा, मैं आज ही सारा सामान ला दूंगा। नैना जब पेंटिंग बना रही थी तो रमा ने उससे पूछा, नैना, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, पेंटिंग जैसी चीज तुम जैसे गवार लोगों के लिए नहीं है। अब क्या मैं तुम्हारा एक कैनवस ले सकती हूँ? ओहो, फिर मेरा सिर खा रही हो। एक पुराना कैनवस मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया है, तुम्हें पेंटिंग बनानी है तो उस पर बनाओ, और रंग भी पुराने वाले ले लो अलमारी से, नए रंग मैं तुम्हें खराब नहीं करने दे सकती। दिन रात मेहनत करने के बाद नैना ने अपनी पेंटिंग बनाई। कॉम्पिटिशन के ठीक पहले वाली रात को जब नैना अपनी पेंटिंग पर अपना नाम लिख रही थी तो धोखे से उसका हाथ रंग के डिब्बे पर लग गया। सारा रंग पेंटिंग पर फैल गया और पेंटिंग खराब हो गई। नैना रोने लगी, उसकी कई दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। नैना की रोने की आवाज सुनकर गिरिधर और रमा नैना के रूम में पहुंचे। क्या हुआ बेटी? पापा, धोखे से रंग का डिब्बा पेंटिंग पर गिर गया, मेरी सारी पेंटिंग खराब हो गई। कल सुबह ही कॉम्पिटिशन है। अब एक मिनट रुको नैना। रमा बाहर गई और एक सुंदर पेंटिंग उठाकर लाई। नैना रमा की पेंटिंग देखकर चौंक गई। क्या ये आपने बनाई है? हाँ, पुराने रंगों का इस्तेमाल करके कोई इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है? मैंने चित्रकारी अपने पापा से सीखी थी। तुम इस पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिख दो और कॉम्पिटिशन में इसे ही ले जाओ। नैना रमा की पेंटिंग पर अपना नाम लिखकर कॉम्पिटिशन में गई और उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीता। नैना उस दिन जब घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया और ना ही तमीज से बात की, और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया।
कोई बात नहीं नैना, छोटों से गलतियाँ हो जाती हैं, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। उस दिन के बाद से नैना अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी से रहने लगी। पाबलपुर गांव में चिंकी और बबली अपनी माँ के साथ रहते थे। बच्चों, आज मैं मौसी के घर जा रही हूँ, मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, हम भी साथ चलेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि तुम दोनों को साथ ले चलूं, लेकिन अभी एक महामारी फैली हुई है, इसलिए बच्चों का बाहर घूमना सुरक्षित नहीं। माँ, तो क्या हम घर पर अकेले रहेंगे? हाँ बेटी, कुछ दिनों की बात है, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। चिंकी और बबली की माँ उन्हें एक शहद की शीशी देती है। यह लो, जादुई शहद। जादुई शहद? ये हमारे किस काम आएगा माँ? ये मुसीबत में तुम्हारे काम आ सकता है। इस शहद को अगर कोई जरा सा भी चाट ले तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मतलब वो अपनी याददाश्त खो देगा? हाँ, वह भूल जाएगा कि वह कौन है, कहाँ से आया है। तुम लोग इस शहद को मत चाट लेना, वरना मुझे ही भूल जाओगे। इसे केवल मुसीबत के समय इस्तेमाल करना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय माँ, जल्दी लौट आना। माँ चली गई और चिंकी बबली घर में अकेले रह गए। आज घर पर कोई नहीं है, कितनी भी देर टीवी देख सकती हूँ या सो सकती हूँ या ढेर सारा जैम खा सकती हूँ। हाँ, और मैं अपना मनपसंद खाना बना सकती हूँ, अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती हूँ और फोन पर खूब देर तक अपनी फ्रेंड से बात कर सकती हूँ। गांव में रवि और नाजिम नाम के दो चोर रहते थे। उनकी गाँव के हर घर पर नजर रहती थी। आज उन्होंने सुनीता को बड़ा सा बैग ले जाते देखा तो समझ गए कि वह कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर जा रही है। नाजिम, आज बहुत बढ़िया मौका है, सुनीता कई दिनों के लिए घर से बाहर गई हुई है। हाँ, लेकिन उसके दोनों बच्चे पिंकी और बबली तो घर पर होंगे। अरे तुम उन बच्चों से क्यों डरते हो? उनकी बस की बात नहीं कि हमें चोरी करने से रोक लें। कोई मीठी गोली खिला देंगे और मीठी नींद सुला देंगे। ठीक कहा, फिर सुनीता के सारे कहने, जेवर, फ्रिज, टीवी सब हमारा होगा। रात को 12 बजे रवि और नाजिम घर के पास पहुँचे। दोनों खपरेल पर चढ़ गए। रवि एक खपरेल हटाकर घर के अंदर झांकता है। चिंकी और बबली सो रहे थे। बहुत बढ़िया, इन्हें तो मीठी गोली खिलाने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों तो पहले ही सो रहे हैं। चलो नाजिम, खपरेल हटाने में मेरी मदद करो ताकि हम दोनों अंदर घुस पाएं। खपरेल की खटपट सुनकर चिंकी और बबली की आंख खुल गई। लगता है कोई भूत आ गया, अब हम क्या करेंगे? माँ ने बताया था कि भूत असलियत में नहीं होते, जरूर कोई चोर होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? डरो मत, जादुई शहद है ना? चिंकी फ्रिज में से दो पेस्ट्री निकाल कर लाती है और उन पर थोड़ा सा जादुई शहद टपका देती है। फिर चिंकी और बबली पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों चोर घर में घुस आए। यार, चोरी बाद में कर लेंगे, पहले मैं ये पेस्ट्री खाऊंगा, कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत दिनों से पेस्ट्री भी नहीं खाई है मैंने। नाजिम जैसे ही पेस्ट्री खाता है उसकी याददाश्त चली जाती है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? नाजिम, तुम्हें क्या हो गया? यार, मैं हूँ रवि, तुम्हारा दोस्त। कौन रवि? लगता है इस पेस्ट्री में कुछ मिला हुआ था, अच्छा हुआ मैंने ये पेस्ट्री नहीं खाई। सुनो, तुम नाजिम हो? मैं अभी घर का सारा सामान बटोर कर लाता हूँ,
अब तुम यही इंतजार करो, ठीक है? रवि घर का सामान इकट्ठा करने चला गया। अब हम क्या करें? एक चोर ने तो पेस्ट्री खाई ही नहीं, उसके पेट में जादुई शायद कैसे घुसाए? चिंकी बेड से बाहर आती है और नाजिम के पास जाती है। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, ये देखो तुम्हारी बंदूक और तुम्हारा डंडा। इस घर में एक चोर आया हुआ है, जल्दी से जाओ और उस चोर को पकड़ लो। क्या मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ? हाँ, तुम एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर हो। नाजिम डंडा लेकर जाता है और रवि के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर देता है। नाजिम ने डंडे मार मार कर रवि को बेहोश कर दिया। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब। चिंकी जादुई शहर की कुछ बूंदें रवि के मुंह में टपका देती है। फिर बबली चुपके से नाजिम के सिर पर भी एक डंडा मार देती है। नाजिम भी बेहोश हो जाता है। सुबह जब रवि और नाजिम को होश आया तो वे दोनों फ्रिज से बंधे हुए थे। पास में सुनीता, पुलिस, चिंकी और बबली मौजूद थे। शाबाश बच्चों, हमें इन दोनों चोरों की बहुत दिनों से तलाश थी। पुलिस चोरों को पकड़कर ले जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों ने जादुई शहद का बखूबी इस्तेमाल किया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, पेस्ट्री।